हेलो एवरीवन, आइए आज हम बनाते हैं लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी। क्योंकि लौकी को कुछ लोग बिल्कुल भी खुश होकर नहीं खाते हैं, ज़्यादातर बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो आज हम इसको चने की दाल के साथ बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने लौकी ले ली है, लौकी को छील कर कट कर लिया है, और हाफ़ कटोरी चने की दाल जिसको मैंने थोड़ी देर भिगो कर रख दिया था। अब हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज कर रही हूँ। लौकी और चने की दाल जो मैंने बिल्कुल साफ पानी में वॉश कर ली है पहले से ही, वो डाल देंगे। एक गिलास पानी डाल देंगे और एक चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 सीटी आने देते हैं, तब तक हम बाकी के और मसाले रेडी कर लेते हैं। मसाले में मैंने 2 ऑनियन लिए हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 3-4 कलियाँ लहसुन की ली है, 2 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते इसलिए मैंने कम डाल लिए। और 2 टमाटर जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम सूखे मसाले डालते हैं। सूखे मसाले में 1/2 स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1.5 स्पून हल्दी, 1.5 स्पून धनिया, 2 स्पून नमक। स्पून बिल्कुल छोटे वाली लेनी है जिसको टी टेबल स्पून बोलते हैं। ये देखिए लौकी और चने की दाल बॉयल हो गई है। अब हम इसको बनाने के लिए एक फ्राई पैन लेते हैं। 1 चम्मच तेल डालेंगे, मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। ऑयल बिल्कुल गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा बिल्कुल पक गया है, अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये भुन गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। प्याज भूनकर बिल्कुल रेडी है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी सी देर तक मसाले को पकाएंगे। मसाला बिल्कुल पक गया है, देखो ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इसने। जब ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दे तब समझो कि मसाला बिल्कुल पक गया है। अब मसाला पकने के बाद अब हम इसमें लौकी और दाल जो बॉयल किए थे वो डाल देंगे। अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं सब्जी पक गई क्या। सब्जी पककर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं।
आपको रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकूँ। बाय बाय एवरीवन।